सालों से, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सब का वतन है संभालो इसे। आज मैं फातिमा महकपुर वाला कक्षा छठी सेंट पॉल स्कूल की विद्यार्थी आप सबके साथ देशभक्ति पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। अगर कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। मित्रों, देशभक्ति क्या होती है? देशभक्ति तो वो स्नेह और प्यार है जो आपके मन में आपके देश और देशवासियों के लिए है। यदि बात देशभक्ति की जाए तो इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को जरूर याद किया जाता है, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि। इन्होंने अपना सब कुछ इस देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया था। आज मैं आपसे यह सवाल करना चाहती हूँ कि ऐसा क्या जरूरी है कि आप देश सेवा तभी कर सकते हो जब या सेना में हो या तो फिर कोई देश सेवा संस्था से जुड़े हो? नहीं, आप एक आम व्यक्ति है और आप कभी भी कहीं भी एक दूसरे व्यक्ति की मदद करके भी देशभक्ति कर सकते हैं। देशभक्ति कई तरीकों से हो सकती है, जैसे रास्ते में कोई एम्बुलेंस जाम में फंसी हो और आप और घायल व्यक्ति को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो आप एम्बुलेंस को जाम से निकाल कर जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। आप जल बचाकर भी देश सेवा कर सकते हैं। आप पेड़ लगाकर पर्यावरण का बचाव कर सकते हैं और इस कठिन कोरोना परिस्थिति में आप लॉकडाउन और सरकार के निर्देशों का पालन करके भी एक तरीके की देश सेवा ही तो कर रहे हैं। एक सच्चा देश नागरिक अपने देश के संविधान और कर्तव्य का पालन करके भी देश सेवा करता है। अपने संविधान को सुरक्षित रखने की ओर एक कदम बढ़ाना भी देशभक्ति का एक प्रमुख हिस्सा है। भारत में हमारा एक साथ मिलजुल कर रहना, एक साथ हर त्योहार मनाना, जैसे होली हो तो हर कोई होली के रंगों में डूब जाता है और दिवाली हो तो हर कोई दिवाली की रौनक लगाता है और ईद हो तो हर कोई शीर खाता है, यही तो है देशभक्ति। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि क्या होगा ये असमानताओं की लकीरें खींचकर